एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पहली एप्लीकेशन है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो कब कोई बॉडी तैरती है, आर्किमिडीज ने बताया कि अगर कोई बॉडी तैर रही है, इसका वी डैश हवा में वॉल्यूम है और वी माइनस वी डैश पानी में वॉल्यूम है। हमने काफी बार कर लिया कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यहां पर क्या होगा, वी माइनस वी डैश इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी, लिक्विड की। तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और होल वेट ऑफ द बॉडी में क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो ये सॉल्व करके ओपन करो, यहां से v वाली टर्म एक तरफ और यहां से क्या निकाल लो, v डैश निकाल लो, ये v डैश आ गया। अब एक बात बताओ, अगर v डैश आ गया, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ी है और बॉडी की डेंसिटी छोटी है तो v डैश क्या आएगा, पॉजिटिव। v डैश का मतलब कितना वॉल्यूम आपको हवा में दिख रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो हवा में दिखेगा, यानी कि बॉडी विल फ्लोट। तो ऐसे केस में बॉडी विल फ्लोट। और अगर डेंसिटी लिक्विड की कम है और बॉडी की ज्यादा है, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है पानी की कम है, तो वी डैश क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बॉडी डूब जाएगी। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो वी डैश क्या आएगा, जीरो, यानी कि बॉडी तैरेगी ना, नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, जहां छोड़ोगे वहीं की वहीं रहेगी, ना सिंक करेगी ना फ्लोट करेगी, क्लियर है। पर हाँ, सरफेस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यही लिखा हुआ है और हम छोटी क्लास में यही तो करते आए हैं कि अगर लिक्विड की डेंसिटी बड़ी है बॉडी की डेंसिटी से तो बॉडी विल फ्लोट, अगर छोटी है तो सिंक, बराबर है तो वहीं की वहीं रहेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। देखो ये सब थ्योरी है, ये इतना आता नहीं है, एक्चुअली आएगा न्यूमेरिकल इस पे। पर हाँ, वैसे अगर निकालना है बॉडी का वॉल्यूम, बड़े आसानी से निकल सकता है कि अगर मान लो डब्ल्यू वन वेट हवा में है, डब्ल्यू टू बॉडी का पानी में है, तो हमने क्या किया था, देयर विल बी लॉस इन वेट, ये तैर नहीं रही बॉडी, तो पानी में जब बॉडी को उतारा तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो ये पुट कर दिया, लॉस इन वेट में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। तो सॉल्व करके वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेट, तो याद क्या करोगे, न्यूमेरिकल में देखेंगे इसे। और ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी